हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का दूसरा टॉपिक जो है लेजर्स। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखा है, जनरल वीडियोस, जनरल एंट्री की वीडियोस, तो वो आप पहले देख लीजिएगा। मैंने सारे ही जनरल एंट्रीज के वीडियोस बना दिए हैं। बिना जनरल जाने हम लेजर्स को नहीं बना सकते। लेजर्स होते क्या है वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही सारे जनरल बन जाते हैं, उसके बाद हम सारे जनरल को एक एक करके पोस्ट करते हैं, उसी को हम लेजर्स कहते हैं। तो लेजर्स हम एक तरीके से कह सकते हैं, पोस्टिंग भी होता है। ये पीडीएफ मैंने आईसीआई से लिया है, तो इससे सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे बड़ी आसानी से। इसमें सारे टॉपिक कवर्ड है। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन सब का। तो ये कुछ लिखा हुआ है, बेसिक्स है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये फॉर्मेट है लेजर का। मैंने आपको जर्नल का ही फॉर्मेट बता दिया था। ये लेजर का फॉर्मेट है। इसमें होता है डेट, हम जिस डेट में पोस्ट कर रहे हैं उसका डेट लिखेंगे। मतलब जिस डेट, मतलब जो जर्नल का जो डेट रहेगा वो यहाँ पोस्ट करेंगे। पर्टिकुलर्स जो रहेगा, ये डेबिट तरफ है, जीएफ जनरल फोलियो अमाउंट लिखेंगे, और ये फिर क्रेडिट का तरफ है, डेट पर्टिकुलर्स जीएफ अमाउंट। तो मैंने वो कहा था जनरल को हम पोस्टिंग भी कहते हैं, तो वही वर्ड का यूज हुआ है, पोस्टिंग। इसे आप पढ़ लीजिएगा अपने से ही। रूल्स क्या है ये सब आप देख लीजिएगा। मैं आपको एक बात साफ बता दूं, अगर आपको सारे ही जनरल्स आते होंगे तो लेजर बनाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ये सब रूल्स पढ़ के कुछ खास फायदा होगा नहीं। ये सब देखते हैं। इलस्ट्रेशन वन, प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट ऑफ अ फर्म फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022, डेली बैलेंस ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। जनवरी वन, इन्वेंटरी ऑफ स्टेशनरी 480 पर। जनवरी फाइव, परचेज ऑफ स्टेशनरी बाई चेक 800। जनवरी फिफ्टीन, परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार मार्ट 1280। पहले सबका जर्नल समझते हैं, फिर सबका पोस्टिंग समझेंगे। इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी मतलब ये स्टॉक है, इसका कोई जर्नल नहीं होगा, ये बैलेंस दिया हुआ है। मैं लिख देता हूँ, ये बैलेंस है। ये क्या है, परचेज ऑफ स्टेशनरी बाई चेक, मतलब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्यों, क्योंकि हमने परचेज किस में किया है, चेक में, 800 800। मैं जनरल लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि ये एक पीडीएफ है, लिखने बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। मैं आपको जनरल बता देता हूँ। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, हम यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम यहाँ डेबिट करेंगे स्टेशनरी। और हमें यहाँ पे बनाने ही बोला है स्टेशनरी अकाउंट। तो परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार मार्ट 1280। हमने इससे क्रेडिट परचेज किया है, कितना का, 1280। तो इसका क्या जनरल एंट्री होगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट। आइए इसका लेजर समझते हैं। तो जनरल इसका क्या था, पहले तो ये तो बैलेंस है, तो बैलेंस लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। जनवरी वन 2022, टू बैलेंस बीडी 480 480। जनवरी फाइव, परचेज ऑफ स्टेशनरी बाई चेक, इसका मैंने जनरल क्या बताया था, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डेबिट के साइड क्या लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट, तो यहाँ लिखा हुआ है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ लिखेंगे हम टू बैंक 800 800। परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट 1280, इसका मतलब परचेज स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हुआ, तो ये डेबिट, और टू जो होगा वो हम यहाँ लिख देंगे, टू 5 स्टार स्टेशनरी वही 800। 1280, सॉरी 1280, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो फिर हम इसे बैलेंस कर देंगे, जिस तरफ ज्यादा रहेगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हो रहा है 480 800 1280, 2560 200 560। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे मंथ का एंड डेट, जनवरी फर्स्ट था तो जनवरी 31 जनवरी, बाई बैलेंस सीडी 2560, और उसी को ब्रॉट डाउन कर देंगे। ये होता है बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन होता है, सीडी का मतलब होता है कैरीड डाउन। उम्मीद करता हूँ आपको लेजर पोस्टिंग कुछ
कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। चलिए और थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं, ये थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेजर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर। ट्रेडर कौन होता है? जो सप्लाई, सॉरी, ट्रेडर होता है जो गुड्स खरीद के बेच देता है। तो डेबिट बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2022, डेबिट बैलेंस मैंने आपको जनरल बता ही दिया था कि वो ज्यादा हद तक एसेट्स ही होते हैं, और क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल्स होते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड, ये सब बैलेंस है। लेजर स्टार्ट करने से हमें पहले बैलेंस लिखना होता है। जितना भी डेबिट बैलेंस होगा वो 2 के साइड लिखाएगा, और जितना भी क्रेडिट बैलेंस होगा वो सब बाई के तरफ लिखाएगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, हम लेजर्स को टी फॉर्मेट भी कहते हैं क्योंकि ये एक टी फॉर्मेट का रहता है। तो प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स वो बुक्स ऑफ ट्रेडर, तो हम इसका लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर, क्योंकि ट्रेडर का नाम पता नहीं है। डेबिट बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2022, कैश इन हैंड 8,000, कैश एंड बैग 25,000, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स 20,000, बिल्डिंग 10,000, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मैं बता दूँ क्या होता है, अगर आप क्लास 11 12 में होंगे तो आपको ये वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, और ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या होगा, बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड पेबल मतलब बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर। तो ये सब बैलेंस दिया हुआ है, ये सब हमें 1 जनवरी को 2022 1 जनवरी को बैलेंस में लिखना है। यहाँ से कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, इस ट्रांजेक्शन से हमें सारे ही जर्नल लेजर्स बनाने हैं। इनका जितना जर्नल बनेगा सबका लेजर बनेगा। तो आइए इस सबका अकाउंट बनाते हैं। यहाँ तो बना हुआ है क्योंकि पीडीएफ है, आप सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैश अकाउंट, बैंक, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, विजय, मधु, आनंद, कपिल, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, प्लांट अकाउंट, जितने भी जर्नल होंगे हमें सबका लेजर्स बनाना है। तो ये सब तो बैलेंस है, तो सबका तो हम लेजर का ओपनिंग कर लेंगे, और जितना भी जर्नल है वो सबका बनाएंगे। तो पहला क्या किया है हमने, परचेस गुड्स वर्थ 5,000 फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। मैंने आपको जनरल एंट्री से बता दिया है कि ट्रेड डिस्काउंट का हम कोई एंट्री नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट उसे अमाउंट से माइनस कर देते हैं, और कैश डिस्काउंट को माइनस करके हम शो करते हैं। तो 5,000 का 20% कितना होगा, 500, 500 1,000 मतलब 4,000, 4,000 और उसका 5% मतलब 200, 3,800 का परचेज हुआ। तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इसका जनरल करते हैं तो टू बैलेंस बीडी, ये तो कैश अकाउंट है, तो कैश से पेमेंट हुआ है, पेबल एट लेटर डेट। देखते हैं, हाँ ये 3,800 जो मैंने से कहा, 3,800। तो ये यहाँ पे का बाय में क्यों आया, क्योंकि इसका जर्नल क्या था, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे, बाई कैश, कैश अकाउंट में बाई परचेस 3,800। तो सबका पहले बैलेंस हम लिख लेंगे, कैश अकाउंट में लिख देंगे, बैंक अकाउंट में लिख देंगे, जितना भी इसका जो बैलेंस है वहां वहां हम लिख देंगे। रिसीव्ड 1,980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम 20s डिस्काउंट। हमें विजय से रुपया मिला इतना और उसे हम 20 रुपया डिस्काउंट भी दे दिए। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, विजय को हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे, कैश को, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है 1,980, ये क्या होगा, कैश हो गया। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विजय कितना, 1,980 डेबिट 20 डेबिट और
टू विजय 2000, 2000 क्यों? क्योंकि हम दोनों को प्लस कर देंगे, हम यहाँ पे डिस्काउंट हमें मिल नहीं रहे, हम डिस्काउंट यहाँ दे रहे हैं। तो किस में जाएंगे? कैश अकाउंट जाते हैं। कैश अकाउंट में क्या होगा? ये आया होगा टू विजय 1980, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएंगे तो क्या होगा? टू विजय 20 होगा। चलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में चलते हैं, उससे पहले विजय अकाउंट में जाते हैं। बाई डिस्काउंट, जैसे मैंने कहा था बाई डिस्काउंट, और बाई कैश। बाई कैश क्यों? क्योंकि हमने इसे कैश पे किया था, हम इससे हमें कैश मिला था इसीलिए। और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में होगा टू विजय, देखते हैं वहां पे है कि नहीं। हाँ टू विजय 20। और ये दूसरा करते हैं, परचेस्ड प्लांट फ्रॉम मुकेश फॉर 5,000 एंड पेड 100 एज कार्टेज फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री एंड अनदर 200 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। हमने मुकेश से प्लांट परचेस किया 5,000 में, मतलब क्रेडिट परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू मुकेश 5,000 5,000, और पेड एज कार्टेज फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू फैक्ट्री एंड अनदर 200 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो हम यहाँ पे दो जने एंट्री भी कर सकते हैं, एक एंट्री भी कर सकते हैं। पहले दो दो से समझते हैं। पहला तो जो क्रेडिट परचेज हुआ उसके लिए परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश 5,000, और कार्टेज अकाउंट डेबिट इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे, 300 300 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आप जर्नल लिख नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको लिख के भी दिखा देता, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये हम दोनों डेबिट कर देंगे दूसरे जर्नल एंट्री में, डेबिट डेबिट कर देंगे और टू क्रेडिट कर देंगे कैश 300। तो आइए देखते हैं कैश 300 इन्होंने किया है। हाँ देखिए किससे परचेस हुआ है, मुकेश से जनवरी 8। यहाँ पे 300 कुछ और क्यों दिया हुआ है? हाँ वो सॉरी, मैंने गलत दिया, मैं तो वहां इधर होगा ना, बाई प्लांट 300। हाँ ठीक है 300, क्योंकि प्लांट अकाउंट डेबिट है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश 300। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगे? प्लांट अकाउंट में जाते हैं, प्लांट अकाउंट, हाँ ये रहा प्लांट अकाउंट, टू कैश 300। और हमने मुकेश से प्लांट खरीदा था तो टू मुकेश 5,000 जो क्रेडिट परचेस हुआ था। इस जर्नल में परचेस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, प्लांट अकाउंट डेबिट होगा। सॉरी मैंने आपको पहले परचेस बता दिया था। ये दूसरा नाम समझते हैं, सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट, इसका क्या होगा? रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा 600। तो कैश में तो कुछ हुआ नहीं तो ये तो आएगा नहीं, तो रहीम और सेल्स से इसका मतलब है, तो रहीम और सेल्स में चलते हैं। रहीम और सेल्स, ये कपिल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, ये रहा सेल्स अकाउंट बाई रहीम, क्यों? सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो बाई, और रहीम टू सेल्स 600 600। तो ये भी हमने समझा, ये भी हमने समझा। आइए दूसरा क्वेश्चंस करते हैं, रहीम बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुल्ड पे ओनली 50 पैसा इन रूपी। इस जनरल एंट्री का मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब है, इसका जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रहीम। बैड डेट अकाउंट डेबिट में कितना हम लिखेंगे? 300। क्यों? क्योंकि 600 का हमें आधा मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 300, बैड डेट अकाउंट डेबिट 300 टू रहीम। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं? इसमें मेजर तीन अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं, पर हम शायद बैड डेट अकाउंट नहीं बना रहे हैं, तो रहीम और कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं, टू रहीम। हाँ टू रहीम 300। और चलते हैं नीचे, और रहीम चलते हैं, रहीम रहीम, हाँ ये रहा बाई कैश। हाँ बाई बैड डेट भी हमने इसी में लिख दिया है, क्यों? क्योंकि रहीम तो क्रेडिट है, तो इसका तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज 3 2 होगा,
इसलिए बैड डेट अकाउंट भी हमने क्रेडिट किया है। मैं आपको इसका एंट्री बताता हूँ कैसे ये होगा। ये कैश हुआ, डेबिट, बैड डेप्ट हुआ डेबिट, और टू हमने क्या किया रहीम को, क्योंकि रहीम यहाँ गिवर है। मैंने गोल्डन रूल्स पे भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको गोल्डन रूल्स भी नहीं पता तो आप गोल्डन रूल्स देख सकते हैं मेरे इस चैनल में। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 300। यहाँ पे बैड डेप्ट हो गया 300, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है 50 पैसा इन रुपी, 50 पैसा रुपी मतलब 1 रुपए का 50 पैसा, और ये टोटल 600। तो रही में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई कैश बाई बैड डेप्ट, और ये अमाउंट लिखेंगे 600। और जब हम कैश में पोस्टिंग करेंगे तो टू रहीम 300, और जब बैड डेप्ट का अकाउंट बनाएंगे तो टू रहीम 300। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश 1000, इसका जनरल एंट्री क्या होगा, राम अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी कैश में बोल दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश टू सेल्स कितना, 1000। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ इसीलिए इतना खराब से मैं लिख रहा हूँ। ये इसका है, इसका जनरल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000 1000। तो कैश अकाउंट में हम लिखेंगे टू सेल्स, डेट है जनवरी 18 18, 1000, और सेल्स में लिखेंगे बाई कैश 1000। सेल्स अकाउंट में चलते हैं, सेल्स अकाउंट, ये रहा सेल्स अकाउंट, बाई कैश 1000। तो हमने सारे ही ट्रांजेक्शन को लेजर्स में पोस्ट कर दिया है, अब बारी आया है सब जनरल को क्लोज करने का। ये सारे बैलेंस को हमने कॉरेस्पॉन्डिंग लेजर्स में पुट कर दिया होगा, जिसका डेबिट बैलेंस होगा उसे हम टू में लिखेंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा हम उन्हें बाई की तरफ लिखेंगे। ये आनंद, कपिल, ये सब क्रेडिटर्स हैं हमारे। कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, बाई बैलेंस बीडी होगा 55,000। आइए देखते हैं सबको हमने क्लोज किया कि नहीं। तो कैश अकाउंट टू बैलेंस बीडी, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था, और बाई परचेज ये सब हुआ। तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, मतलब ये टोटल करके टोटल अमाउंट 8,009,980, ये टोटल ज्यादा आ रहा है 11,280, और इससे फिर हम दोनों ये दोनों से माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। बैलेंस यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, वो हमें कैसे पता चलेगा, जिस साइड का अमाउंट बेसी होगा, क्रेडिट का बेसी आया तो बैलेंस यहाँ आएगा, डेबिट का बैलेंस बेसी आया तो बैलेंस यहाँ होगा, मतलब अमाउंट। तो ये बैलेंस यहाँ आया, तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट डेट में टू बैलेंस बीडी। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ नहीं था इसीलिए हम इसे यहाँ लिख दिए है। जो बैलेंस था वही एक ट्रांजेक्शन था जो चेक में हुआ था, देखिए नहीं वो तो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ तो इसमें कुछ ये नहीं है, जो बैलेंस था हमने वो बैलेंस बैठा दिया। इन्वेंट्री जो स्टॉक अकाउंट था टू बैलेंस बीडी 20,000, और इसमें कुछ परचेस हुआ नहीं, सेल हुआ नहीं, तो इसीलिए हम इसे ये कहीं छोड़ दिए। बिल्डिंग अकाउंट टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि इसमें भी कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुए। तो ये सब जो बैलेंस हमें दिए हुए थे हमें इसे क्लोज करना है। अगर इसमें कुछ इफेक्ट होता तो हम यहाँ पे लिखते, डेबिट होता डेबिट लिखते, क्रेडिट क्रेडिट। बीबीआई में हुआ है टू बैलेंस बीडी, इसका 2000 बैलेंस था, इसे हमें कैश मिला था और डिस्काउंट हमने इसे अलाउ किया था, तो वही है, इसका बैलेंस मैच हो गया। जिसका में बैलेंस मैच हो जाएगा उसे तो बैलेंस करना नहीं पड़ेगा। ये डेबिट साइड भी 2000 है, क्रेडिट साइड भी 2000 है,
मधु, मधु हमारी डेटर्स है, इसका भी कुछ हुआ नहीं था इससे। आनंद हमारे लिए क्रेडिटर है, इसलिए इसका हुआ बाई बैलेंस बीडी, इसमें भी कोई हुआ नहीं, इसीलिए खाली सीरी लेके छोड़ दिए। कपिल, कपिल भी हमारे लिए क्रेडिटर है, इसलिए बाई बैलेंस, इसमें भी कोई इफेक्ट हुआ नहीं। कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस ही क्रेडिट होता है, तो बाई बैलेंस बीडी, इसमें भी कुछ हुआ नहीं। अगर ड्राइंग्स रहता तो हम यहाँ लिखते। परचेस अकाउंट में हुआ है तो टू कैश, टू कैश डिस्काउंट, इसे तो हमने दिया था, जो परचेस हमने किया था पहले में वो है। कैश डिस्काउंट जो हमने दिया था विजय को, टोटल करके यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स नहीं थे, इसीलिए टोटली सीडी हो गया, और उसको फिर ब्रॉट डाउन कर दिए। डिस्काउंट अकाउंट जो इससे हमने ने लिया था डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट होगा। फिर प्लांट अकाउंट जो हमने खरीदा था मुकेश से क्रेडिट में, तो टू मुकेश, टू कैश, ये सब हमने उसका लिए एंट्री कर दिया था यहाँ पे। फिर मुकेश अकाउंट में जाते हैं, तो इससे प्लांट हमने परचेज किया था, और कुछ था नहीं, तो बस ये, यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, इसीलिए टू बैलेंस सीडी। सेल्स अकाउंट वैसे ही हम इसको क्लोज कर देंगे। इस साइड, इस क्रेडिट साइड का अमाउंट वैसी है, इसलिए यहाँ पे सीडी आ रहा है। जगने की सीडी हमेशा यहीं आए, सीडी यहाँ भी आ सकता है। रहीम, रहीम में हमने, रहीम को हमने सेल्स किया था, तो कैश और बैड डेप्ट और टू सेल्स, और बैड डेप्ट अकाउंट में हमने लिख दिया टू रहीम, हमने बैड डेप्ट अकाउंट बनाया है तो टू रहीम, क्योंकि बैड डेप्ट अकाउंट हमने डेबिट किया था और टू रहीम कट किया था, तो उसी के हिसाब से टू रहीम, और बाई बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लेजर बनाना सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को फिर से देखिए, और तब भी नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का देख सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।